हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स पिज्जा मफिन्स। ये बहुत ही लाइट एंड फ्लफी बने हैं, ये इंस्टेंटली बन जाते हैं और ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले मैं यहाँ एक पैन को गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं ओट्स डाल के इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये हो गए हैं, अब हम इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद हम इसे मिक्सर या फूड प्रोसेसर की सहायता से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ दूध ले रही हूँ, दही, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। पिज्जा सॉस, ये होममेड पिज्जा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपनी पिज्जा वाली रेसिपी में। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक और बाउल में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। यहाँ मैं ओट्स का आटा ले रही हूँ जो हमने रेडी किया था, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इन सबको हमें अच्छे से छान लेना है। इसमें हम थोड़े मिक्स्ड हर्ब डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक। यहाँ मैंने फ्लैक्स सीड्स का पाउडर लिया है, इसे अलसी भी कहते हैं, रेड चिली फ्लेक्स। इसमें हम हमारे सारे वेजीज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप किए थे। मैंने यहाँ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न और ऑलिव्स लिए हैं। इसमें मैं दो तरह की चीज़ डाल रही हूँ, ये प्रोसेस चीज़ है और थोड़ा सा शेडर चीज़ डाल रही हूँ। अब हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर लेंगे। अब इसे हमें धीरे धीरे मिक्स करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, कट एंड फोल्ड मेथड में। इसे थोड़ा आराम से करें, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए हमारे बैटर में। ये देखिए, ये हो गया है। मैंने यहाँ मफिन मोल्ड लिया है, इसे मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया था। अब मैं इसमें हमारे बैटर को डाल रही हूँ। इसे हम सिर्फ 3/4 तक ही भरेंगे। ऐसे ही हम बाकी के मफिन मोल्ड को भी भर लेंगे। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा पिज्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। थोड़ा प्याज डाल देंगे, कटी हुई शिमला मिर्च, ऑलिव, शेडर चीज डाल देंगे। अब हमारे मफिन्स रेडी हैं बेक होने के लिए। अवन को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पर। इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। जो मफिन्स मैंने बनाए उसे बेक होने में 17 मिनट्स लगे, पर हर ओवन का डिफरेंट होता है, तो 15 मिनट के बाद इसे चेक कर लीजिए। हमारे पिज़्ज़ा मफिन्स रेडी हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।